बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। फोकस पाकिस्तान के नाजरीन, अहम खबर से आपको आगाह करते हैं कि वज़ीरे आज़म शहबाज शरीफ ने आज मुस्लिम लीग नून की सीनियर क़यादत का अहम इजलास तलब कर लिया है। ज़राए के मुताबिक इजलास में नून लीग की सीनियर क़यादत शरीक होगी, जिसमें असम्बलियाँ तहलील होने से बचाने के लिए कानूनी और आइनी मामलात के तहत मुख्तलिफ पहलुओं पर गौर किया जाएगा। इस हवाले से वज़ीरे आज़म का कहना है कि अवाम का एतमाद तोड़ने वाले अब असम्बलियाँ तोड़ रहे हैं, जिसका मकसद सियासी अदम इस्तेहकाम पैदा करना है। शहबाज शरीफ ने सवाल किया कि जब भी मुल्क माशी तरक्की की तरफ चलना शुरू होता है तो फसादी लश्कर क्यों मतहरक हो जाता है। पाकिस्तान से वफादारी और दोस्ती का तकाजा है कि मुल्क में माशी इस्तेहकाम हो। वज़ीरे आज़म शहबाज शरीफ ने वाज़ा किया कि पाकिस्तान डिफॉल्ट होगा ना किसी को करने देंगे। वाज़ा रहे कि इमरान खान ने वीडियो लिंक के जरिए लिबर्टी चौक जलसे से खिताब करते हुए 23 दिसंबर को पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की असम्बली तहलील करने का ऐलान किया था। इससे कबल वज़ीरे आज़म शहबाज शरीफ की जेरे सदारत मॉडल टाउन लाहौर में मुस्लिम लीग नून का मशावती इजलास हुआ। लीगी जराए के मुताबिक अदम एतमाद की तहरीक पर अरकान से दस्तखत करवा लिए गए हैं। नून लीगी क़यादत ने वज़ीरे आला और स्पीकर के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक जमा कराने का ग्रीन सिग्नल दिया है। जराए का कहना है कि वज़ीरे आला और स्पीकर के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद 36 घंटों में जमा होने का इम्कान है। इजलास में ये भी फैसला किया गया कि असम्बलियों की तहलील रोकने के लिए PTI से मुज़ाकरात नहीं करेंगे। इमरान खान बेशक असम्बलियाँ तोड़ दे, असम्बलियाँ टूटी तो AB और C प्लान मौजूद हैं। तो नाज़रीन, ये थी अब तक की अहम खबर। इसके साथ ही मैं इजाजत चाहता हूँ। अल्लाह निगेबान।